बेटी दिवस के मौके पर यानी कि डॉटर्स डे के मौके पर बॉलीवुड सितारे अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बीच आपने शायद ना देखा हो लेकिन एक तस्वीर हुई है वायरल संजय दत्त की अपनी बेटी के साथ रिसेंट की। जी हाँ, कोरोना से पीड़ित नहीं थे संजय, लेकिन इससे भी बड़ी बीमारी लंग कैंसर से पीड़ित होने के बाद कोरोना जांच में नेगेटिव आने की जितनी खुशी संजय को होती उससे कई गुना ज़्यादा दुखी वो तब हुए क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके लंग में इन्फेक्शन है कोरोना वायरस की वजह से, इसे लेकर वो काफ़ी परेशान हुए। लेकिन ये भी सच नहीं निकला, फिर टेस्ट हुआ फिर पता चला कि लंग में जो फ्लूइड है वो कैंसर फ्लूइड है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। लेट लेटर फ्लूइड निकाले जाने के बावजूद कैंसर फ्लूइड्स बढ़ रहे हैं जिसके कारण दूसरे केमोथेरेपी लेने के बावजूद उन्हें तीसरे केमोथेरेपी के साइकिल को पूरा करने के लिए 30 सितंबर को कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट होना है। इससे पहले दुबई में अपने बच्चों संग एंजॉय करते हुए संजय दत्त ने डॉटर्स डे के मौके पर कैसे अपनी बेटी को गले लगाकर आंखों में आने वाले आंसू को सिर झुकाकर छुपाया और उसे उनकी पत्नी ने फोटो के माध्यम से शेयर किया। वो दर्द, पिता का दर्द बयां करती नजर आई उनकी पत्नी, वो हाल बयां करती नजर आई, देखकर आप भी जरूर टूट जाएंगे। लेकिन सच में जिस तरह से देखने को मिले ये तस्वीर सोशल मीडिया पर संजय दत्त की और उनकी बेटी की खूब वायरल हो रही है। बेटी को पिता का प्यार और गले लगा कर अपनी बेटी को प्यार दे रही है, ये देखकर हर कोई कह रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है संजय दत्त। लेकिन संजय दत्त को उनके बच्चे हमेशा उनकी हिम्मत देते आए हैं और हर मुश्किल घड़ी में वो परिवार का साथ पाते हैं। सलील पारकर संजय दत्त के डॉक्टर ने भी, कैंसर स्पेशलिस्ट ने भी कहा है कि ये युद्ध से कम नहीं है लंग कैंसर की लड़ाई और इसके लिए संजय दत्त है तैयार। उम्मीद की जा रही है कि संजय दत्त को इस बीमारी से राहत मिलेगी और इस बीमारी से लड़ते हुए वो एक बार फिर से बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और केमोथेरेपी के हर साइकिल को वो हिम्मत के साथ पूरा कर पाएंगे। तो तीसरे साइकिल के लिए संजय दत्त की पत्नी अपने पति को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए उनके साथ लौटने के लिए तैयार है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।